सरकारी स्कूलों के हालातों और उनमें मिलने वाली शिक्षा के स्तर का जायजा लेने के लिए एडीएम प्रशासन ने अभियान शुरू किया है, जिसमें अचानक के स्कूलों के निरीक्षण में नामनेर और बालूगंज के कई स्कूलों में सुविधा के नाम पर दिखावा किया जा रहा था। साथ ही शिक्षा के नाम पर बच्चों का विकास बेहद कमजोर मिला। डेफिनेटली देखिए, सुधार के अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं तो इस स्कूल में भी वर्ल्ड विजन एनजीओ है और ये इस समय समय की मांग है कि ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से ही हम सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एनजीओ बता रहे वर्ल्ड विजन है, जिसने फर्नीचर सप्लाई किया इस स्कूल में भी, इससे पहले भी मैंने स्कूल देखा था। तो ये खाली सरकार अकेले ही नहीं, अगर जनता भी जो लोग सक्षम है वो आगे आएँ और इसमें सहयोग करें, जैसे कुछ एनजीओज एक्टिवली कर भी रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका स्तर बेहतर होगा और उसका लाभ बच्चों को मिलेगा। मैंने आज कई बच्चों से प्रश्न भी पूछे हैं और मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं पुनः इन्हीं स्कूल्स में दोबारा आऊं और देखूं कि क्या परिवर्तन हुआ है। सरकारी स्कूलों में सरकार शिक्षकों को जितना वेतन देती है उसका मात्र 5% सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा और उनके स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर खर्च किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी किसी सरकारी विभागीय अधिकारी को ना हो, लेकिन सब कुछ जानकर भी क्यों अनजान बन रहे हैं ये अधिकारी, ये सोचने की बात है। हालांकि एडीएम प्रशासन ने इस पर विचार करते हुए व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा उठाया है। अब देखना होगा कि वो इसमें कितनी कामयाब हो पाती है। डीजी महाजन न्यूज के लिए ओपी वरुण की रिपोर्ट।